दोनों साइडों से निगोशिएशन चल रही थी ना, जिस दिन असद उमर साहब और परवेज खटक साहब घर आ रहे थे। नहीं नहीं सर, नहीं 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 सर, ये आप अपना वर्जन दे रहे हैं ना, मैं आपको दूसरा वर्जन सुना। सर दूसरा वर्जन वो ये कहते हैं कि जिस दिन आ रहे थे चौधरी साहब ने पूछा कि इमरान सानू बनाएगा सीएम, इमरान हमें बना देगा। सर इट वॉज ऑल सेटल्ड वन डे बिफोर, इट वॉज ऑल सेटल्ड वन डे बिफोर। मूनस साहब उस मीटिंग में नहीं आए थे। मूनस साहब ने कहा कि जी मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया गुजरात, मैं नहीं आ सक रहा। मूनस साहब जब रात पूरी नून लीग माइनस नवाज शरीफ माइनस शहबाज शरीफ माइनस मरियम दुआ खैर हुई, जिस दिन दुआ खैर हुई, मुझे रात को 2:45 बजे खाजा साद रफीक ने फोन किया। उसने कहा जी मुबारक को, आप ऑफिशियली हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और अभी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ फोन बंद हुआ है। तो मैंने कहा यार नहीं, हमने पहले भी 2 दफा एक बैड टेस्ट हुआ है, आप अगर आपने बनाना है चौधरी साहब को चीफ मिनिस्टर, प्लीज ऑफर हिम योर सेल्फ। उन्होंने कहा जी इस वक्त बहुत टाइम हो गया, सो रहे होंगे वो, आप हमें टाइम ले दें। आई कॉल्ड हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, आई कॉल्ड परवेज साहब नेक्स्ट मॉर्निंग, ही वाज देयर इन इस्लामाबाद। मैंने कहा चौधरी साहब इस तरह रात को ख्वाजा साद रफीक साहब का फोन आया, वो ऑफिशियली आना चाहते हैं आपको एक तो मुबारकबाद देने और एक आपको ऑफर करने। तो चौधरी साहब ने कहा फिर एक शर्त है कि उन्हें कहो कि रात का खाना इधर खाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है, हमने उनको ऑफर कर दी। वो आ गए ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, अय्याज सादिक, राणा तनवीर, राणा सनाउल्लाह, यू नेम, आजम नजीर तारर, द सेकंड टियर लीडरशिप, यस इट वाज ऑल देयर। इट वाज, और यहां से हुसैन अली साहब, सालिक साहब, माई सेल्फ, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज अली साहब एंड फ्यू अदर्स ऑल्सो, वी वर ऑल देयर। आते साथ ही दुआए मगफरत हुई, दुआ खैर, दुआए मगफरत, आते साथ ही उन्होंने चौधरी परवेज अली साहब ने कहा कि यार मैं फंसा रहा हूँ, मैं आ नहीं सका। रफीक तारर साहब अताउल्लाह तारर के दादा, वो उनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने कहा जी कि मैं आ नहीं सका तो उनके लिए दुआए मगफरत कर रहे हैं। दुआए मगफरत होगी। राणा सनाउल्लाह इज द पंजाब प्रेसिडेंट ऑफ PMLN जी। उसने बात जब आई गई, हाल हवाल हो गया, तो उसने कहा चौधरी साहब मैं ऑफिशियली आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने की ऑफर दे रहा हूँ हमारी तरफ से, क्या आपको ये ऑफर जो एक्सेप्ट कर लेंगे, जो आपको ऑफर कबूल है? नहीं, अब पूरी बात सुने, मजा आएगा आपको। उन्होंने कहा जी मुझे कबूल है। उन्होंने कहा चौधरी साहब मैं आपको दोबारा ऑफर दे रहा हूँ कि आप हमारा चीफ मिनिस्टर बनना पसंद करेंगे, आपको हमारी ये दावत ऑफर कबूल है? उन्होंने कहा जी कबूल है। उसने कहा चौधरी साहब मैं तीसरी दफा आपको ये बात कर रहा हूँ। चौधरी शुजात साहब ने कहा यार तू निकाह पढ़ाना है? उन्होंने कहा जी इन्होंने निकाह तो भी इम्पोर्टेंट समझो, कबूल हुई। उसके बाद 15 मिनट दुआ खैर। लेकिन नेक्स्ट डे जब जाते हैं इमरान खान साहब, अगली भी सुन लो, अगली भी सुन लो, इस तरह नहीं। नेक्स्ट, अच्छा उस दिन रात को हम ये चले गए, हम इनके पोर्च में टहल रहे थे, मैं और परवेज साहब थे हम। उन्होंने कहा यार जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। मैं कहा सर इट इज ऑलमोस्ट 12:30, कहाँ से करें? क्या लगे नहीं नहीं यार तेरा तू तो हमें डिग्री जारी कर देते हो। खैर बंदे भेजे, फ्रूट वाली दुकान खुलवाई, फ्रूट मंगवाया गया। हमने उस बीमार आदमी को रात को 1 बजे जाके उठाया, माई सेल्फ एंड परवेज, वो भी आ गए, आंखें मिलते मिलते आके बैठ गए, उनका शुक्रिया अदा किया, घंटा उनके पास बैठे रहे, वापस आ गए। मैं इनको घर छोड़ के मैं अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट फाइन मॉर्निंग, हाँ हुआ क्या बीच में, एक और इवेंट ये हुआ कि जब बात हर चीज़ तय हो गई, खाना वाना खा के वो जाने लगे, तो इन्होंने I don't want to use that word, इन्होंने इमरान खान के बारे में एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वो पूछे पूरी नून लीग से, कहने लगे यार इसको पता लग जाना है। और उसको पता वाकई लग गया था, बिकॉज द एंटायर एजेंसी पीपल देवर फिर रहे थे वहां पे, उनके अंदर बाहर फिर रहे थे सारे। इसने सुबह पंजाब असेंबली तोड़ देनी है, तो आप सुबह 9 बजे नो कॉन्फिडेंस मूव कर दें। उन्होंने फोन किया शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा यार जब हमने चीफ मिनिस्टर दे दिया तो जो कहते हैं करो, फिर क्या इसमें रह के, मतलब अब क्या है कि हम ये करें वो। उन्होंने कहा जिस तरह चौधरी साहब राजी होते हैं। सुबह 9 बजे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो गया। चौधरी साहब ने मुझे कॉल की, कहने लगे यार एक नवी गल सुनी है मैं जी की, कहने लगे शाह महमूद आ रहे हैं, नाल आ रहे हैं असद उमर, नाल परवेज खटक, तो यार तू आ इन्हों मेरे मगरों ला। मैं कहा उन कहा दिल आ रहे ने, कहने लगे यार इन्होंने तो मेरे मगरों लाए। ये वो कॉन्वर्सेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन पूछा गया फैमिली से, परवेज अली साहब की फैमिली से, कि शिराज साहब ने पूछा कि इमरान सानू सीएम बनाएगा। आगे मुनस अली साहब ने कहा कि ये लोग आ रहे हैं, हमने कहा कि अगर कोई कॉन्क्रीट ऑफर है तो लेकर आना, वरना आपकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। मेरी बात सुन लो सर, मैं तो आपको वर्जन बता रहा हूँ जो वर्जन मैंने ये बड़ी दफा सुना हुआ है, आप मेरी बात सुन लो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मेरे सामने प्लीज फॉर गॉड सेक उनको बिठाओ एक दिन मेरे साथ,
मेरे साथ बिठाओ. क्या ये कॉन्वर्सेशन नहीं हुई? नहीं हुई सर, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. जो कॉन्वर्सेशन हुई है मैं आपको बताता हूं. चौई साहब ने वो जिस टाइम मेरे और शाह महमूद के चौई साहब के कहने पे हमारे हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए. उसने कहा आप ना देना वोट, मैं कहा मैं नहीं दूंगा वोट, जाओ ले सकते हो तो ले लो मेरा वोट, मैं नहीं दूंगा. इस तरह की बातें होती थी. उसने मोनस लाई को अलहदा करके कहा कि यार ये जो आदमी है ना मेरी तरफ इशारा करके, ये तो आपका काम नहीं होने देगा. इसी वजह से शायद कह रहे हैं ना कि आप नहीं चाहते थे कि उस तरफ जाएं. नहीं सर, नहीं, लेकिन आप शुजात साहब के कहने पे ये काम कर रहे हैं. सर नहीं, मेरी इमरान खान से क्या दुश्मनी है? मेरी दुश्मनी चौधरी परवेज लाई था, जिसके पीछे नैब डाली हुई थी, जिसके नाम बिगाड़े हुए थे, जिसके पुट्ठे पुट्ठे नाम लेके बुलाता था, जिसके पास 20 दफा चौधरी शुजात को मैसेज भेजा कि सालिक को वजीर बना लो, ही इज करप्ट, इसके ऊपर नैब के केसेस हैं, मैं इसको वजीर नहीं. मेरी तो ये लड़ाई थी उसके साथ. आप किसी कैबिनेट के आदमी से पूछें कि कितनी दफा मेरे और इमरान खान के आपस में हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए व्हाइल सिटिंग इन द कैबिनेट. लेकिन ये देखिए, परवेज इलाही साहब ने अगर फैसला किया कुछ सोच के किया होगा ना, बच्चे तो वो भी नहीं है. मैं कब कह रहा हूं, अल्लाह करे आप दोनों ने सोचा ये होगा कि मुस्लिम लीग नून में जाके 2-3 महीने का स्टेंट मिलेगा और उसके बाद आपको खुले लाइन लगा दिया जाएगा, जबकि यहां पर एक लॉन्गर रन भी है और शायद फ्यूचर पॉलिटिक्स भी इनके साथ है. वी नेगोशिएटेड फॉर मोर देन 2 मंथ्स सर. इतने बच्चे हम भी नहीं है और फ्यूचर इलेक्शंस आल्सो. हां, हम आपके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और हमें पता ना चले कि यू आर प्लेइंग गेम्स विद अस या आप सिंसियर हो. सो इस पे चौधरी शुजात साहब, आपने, मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा कि वो रोए जब उन्होंने टीवी पर खबर देखी. मैं अगले दिन की बात आपको बता दूं. खैर, वो जब कहने लगे ना कि हमने चौधरी शुजात ने कहा कोई कंक्रीट ऑफर हुई तो लेके आना, नॉट लाइक दिस. चौधरी वजात वॉज सिटिंग देयर, हुसैन अलाई वॉज सिटिंग देयर, सालिक वॉज सिटिंग देयर, माई सेल्फ आई वॉज सिटिंग देयर, चौधरी शुजात वॉज सिटिंग देयर. परवेज अलाई साहब निकले हैं, बाहर जाने लगे हैं तो उन्होंने आवाज दी है. उन्होंने कहा परवेज मेरी बात सुनो. उन्होंने कहा मैंने रात की दुआ खैर मांग ली हुई है, आई वॉन्ट बी पार्ट ऑफ एनी डील, मैं आई विल बी आउट ऑफ एवरी डील. अगर आपको बात कर रहे हैं और छोड़ा करो भाई साहब, उसने कुछ देना है फिर अगेन जिस इज्जत से बुलाया आई नो दैट, उसने कुछ हमें देना है, उसने लॉलीपॉप देना है, हम गए और हम आए चले गए. गाड़ी में जाकर बैठे, फिर उनको कुछ याद आया, उन्होंने फिर एक आदमी भगाया. उन्होंने कहा इसको बुलवा कर लाओ. वो नहीं आया, मोनस साहब आए. उन्होंने कहा मोनस ये काम मत कर रहा, मैंने रात की दुआ खैर मांगी हुई है, माई हेल्थ डजंट अलाउज मी टू प्ले सच गेम्स. उन्होंने कहा मामू भला आप क्या बात कर रहे हो, ये कोई बात है भला? वी वर ऑल सिटिंग देयर काशिफ यार, वी वर ऑल सिटिंग देयर. टीवी पे चलना शुरू हो गया घंटे के बाद. और कहते हैं रात को बैठक हुई ऊपर लाउंज में, जिसमें चौधरी शुजात साहब ने कहा नंबर किस तरह पूरे करोगे. आगे से मोनस इलाही साहब ने कहा कि मामू आप जरदारी साहब से बात कर दे, कर ले, उनके साथ अगर वोट आ गए तो नंबर पूरे हो जाएंगे. सो चौधरी शुजात साहब जो आप कह रहे हैं थॉट्स, मैं गया हूं यार जरदारी के पास 3 दफा, मैं गया हूं. क्या ये गुफ्तगू भी नहीं हुई? सर ये गुफ्तगू हुई होगी, मल्टीपल किस्म की गुफ्तगू होती होंगी. ईद पे चौधरी शुजात साहब ने गुजरात में प्रेस के सामने कहा मेरा उम्मीदवार परवेज इलाही है, हमजा नहीं है. वो आज भी क्या, लेकिन आपने उसको लिखा कि मेरा हमजा उम्मीदवार हमजा है. नहीं सर नहीं, वो देखे उस आखिरी वक्त तक इसलिए कहते रहे काशिफ. उन्होंने कहा कि परवेज इलाही मेरा कैंडिडेट बने, मुस्लिम लीग काफ का कैंडिडेट बने, पीटीआई का कैंडिडेट मत बने. वो काफ के कैंडिडेट है, वो इधर वे काफ के कैंडिडेट है. सर इधर वे है ना, लेकिन देखिए जब एक चीज तय हो गई है, जब एक जबान दे, आप वोट मांगते रहे परवेज इलाही साहब के लिए? किसके? परवेज इलाही साहब के लिए. मैं उस सारी जिंदगी मांगता हूँ. नहीं, अभी इलेक्शन से पहले, ये चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से पहले. नहीं यार, चीफ मिनिस्ट्री के बाद तो हमारे हालात ही इतने खराब हो गए ना. चीफ मिनिस्ट्री से पहले कहते हैं कि आप भी वोट मांगते रहे उनके चीफ मिनिस्टर के लिए. यार देखिए बात सुने, इसलिए कहते हैं वो कि मेरे नीचे जो दोनों एमपी हैं ना, वो दोनों काफ लीग के हैं, दे हैव वोटेड फॉर परवेज साहब. मैं अभी भी आपको ऑन एयर कह रहा हूँ कि आई हैव नथिंग अगेंस्ट चौधरी परवेज इलाही, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, इसलिए कि उन्होंने हमारे साथ बहुत प्यार किया, इज्जत की है. लेकिन यार एक आदमी जो बजाय तनाजा बना है, इमरान खान जो इनको मतलब, आप यार एक असद है, याउद्दीन साहब है यहाँ पे फेडरल सेक्रेटरी इफ यू नो है. अच्छा, सुबह किसी से पूछना, बड़ा बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट है. वो एक दिन ब्रीफिंग दे रहा था कैबिनेट में, तो उसने कहा जी कि परवेज इलाही साहब वॉज द चीफ मिनिस्टर, तो एक किसी मेरे किसी रिश्तेदार का नाम आया तो मैंने उनको ब्रीफ किया, तो उन्होंने कहा कि यार सारे रिश्तेदार बुरे नहीं होते. तो पता इमरान खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा डोंट कंपेयर योर रिलेटिव्स विद परवेज इलाही रिलेटिव्स, आई विल बी द लास्ट पर्सन. सर ये तो आपकी बात है सारी मैंने मान ली, बट दे स्टिल नोइंग दिस ना, उनको पता है ना इस चीज का,
उन्होंने फिर भी ये फैसला किया। फिर तो आफरीन है ना। लेकिन सर आप इस सारे के बारे में जानते हुए भी तो इसी हुकूमत का हिस्सा रहे, इतना इसलिए कैबिनेट में लड़ाइयां करते रहे, इसका हिस्सा रहे, इसलिए इन लड़ाइयों के बावजूद स्पीकर रहे, वफाकी वज़रा रहे। सर इसलिए कि यही परवेज अलाई साहब भी जिंदा है, शुजात साहब भी जिंदा है। मैं हफ्ते में कम अज कम एक दफा ये मुनस साहब से पूछे, हफ्ते 10 दिन में एक दफा कहता था कि आई कांट इवन एक सेकंड के लिए मैं मिनिस्टर नहीं लेकिन रहे ना सर, इसलिए रहे कि मुझे हुक्म था, सर हुक्म था कि मेरी चीफ मिनिस्ट्री की सर मेरी चीफ मिनिस्ट्री की गेम खराब मत करो, ये हुक्म था हमें, और हमारे लिए ये सबसे बड़ा टारगेट था पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे लिए सबसे बड़ा। आप ये एक बात बताएं चीमा साहब, अब तो ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, चौधरी शुजात साहब कहते हैं मेरा उम्मीदवार परवेज इलाही है, आप वोट मांगते हैं उनके लिए, पार्टी उनके साथ खड़ी है, आखिरी दिन क्या हुआ? वो ये कहते हैं दूसरी साइड कि पैसों के अलावा ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से आखिरी दिन पर चौधरी शुजात हुसैन साहब, क्या वजह हुई कि वो आखिरी दिन बदल गए, ऐसा क्या क्या किया गया होगा? सर देखिए, अगर तो मैं तो ये सोचना भी गुनाह समझता हूँ काशिफ कि चौधरी शुजात हुसैन ने पैसे पकड़ लिए, मैं ये सोचना भी गुनाह समझता हूँ। लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत है, जरदारी भी, जरदारी नहीं दिए होंगे ना, आखिरी रात तो जरदारी रहा है ना उनके साथ, और तो कोई नहीं रहे, जरदारी साहब रहे हैं, तो या जरदारी साहब ने पैसे दिए होंगे या चौरी साहब ने लिए होंगे। मैं तो मेरा ख्याल को 5-6 दिन पहले तक मैंने वहां पे जाना छोड़ दिया था, मैं उनके घर के आगे से नहीं गुजरा, पूछे ही सर झगड़ा कजन की वजह से शुरू हुआ सर, देर मस्ट बी मल्टीपल रीजन।